हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नया वीडियो लाऊं। दोस्तों काफ़ी दिन बाद मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि टाइम ना मिलने के कारण मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। क्योंकि आजकल क्या होता है, पहाड़ में घास कटर मशीन का सीज़न चल रहा था, तो इस समय मैं घास कटर मशीनें ज़्यादा बनाता हूँ, इस वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी जो मेरे पास बाइक है 200 बाइक है, और वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो बाइक हमारे पास ये है, NS 200 बाइक है, और अगर मैंने इसका मीटर ऑन किया था जिस समय, तो मीटर ऑन हो रहा है, हॉर्न भी बज रहा है। और फिलहाल मैं जब सेल्फ ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने स्पार्किंग प्लग खोल रखा है, काफ़ी ओवर हो चुकी है गाड़ी। आप देख रहे हैं ये पेट्रोल आया, जो इसका पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर पेट्रोल पहुँच चुका है, और करीब मान के चलो ये 2 से 4 दिन से स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि पहाड़ में काफ़ी ठंडा होता है, स्टार्ट करना ज़रूर करनी पड़ती है। जो आजकल की गाड़ियाँ आई हैं फुल इंजेक्टर आई हैं, और फिलहाल मैं इसका प्लग खोल रखा है। प्लग खोलने के बाद में मैंने किस हिसाब से पेट्रोल आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कलर दबाओ, आप देख रहे हैं ये इतनी दबाओ, आप देख रहे हैं किस हिसाब से ये चिंगारे मार, किस हिसाब से ये चिंगारी मार रही है। और इसको मैंने ओवर इसी तरीके से निकाल लेना है, और इस हिसाब से मानना है, जैसे मान के चलो अभी जैसे मैंने चाबी ऑन करी है, ठीक है, तो अगर मैं ज़्यादा सेल्फ लेता हूँ तो इसमें बैटरी डाउन होने का भी खतरा है। फिलहाल मैं इसका पिछले टायर से निकालता हूँ, क्योंकि तीसरा गियर में डाल दूंगा, और पिछले जो पिछला वाला टायर है उसको मैं घुमाऊँगा, घुमाने के बाद जो इसका ओवर है वो सारा निकल जाएगा, फिर कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की। तो एक प्लग इधर होता है, ये वाला प्लग भी मैं खोल देता हूँ। और ये जो टूल देख रहे हैं आप, टूल सिटी में रहते हैं, क्योंकि मैं टूल नहीं लाया था, मैं सोच रहा था हो सकता है कि वैसी स्टार्ट ना हो रही हो। तो जो इसकी सीट होती है उसके पीछे टूल रहता है, ये प्लग पाना है, केवल मैं एक पेचकस लाया था, तो मैं इसको खोल देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर एक होल दे रखा है, तो स्पार्किंग प्लग हो चुका है। देख रहे हो स्पार्किंग काफ़ी गीला हो रहा है, क्योंकि काफ़ी गाड़ी ओवर हो चुकी है। जो इसका इंजेक्टर होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है, वो पेट्रोल जो है ये पेट्रोल नहीं जला पाई गाड़ी। तो फिलहाल इसका ओवरफ्लो में निकाल देता हूँ, फिर कोशिश करते हैं स्टार्ट करने की इसको। जैसे कि आपने देखा कि दोनों स्पार्किंग प्लग खोल दिए हैं, और अभी फ़िलहाल मैं सेल्फ नहीं लूँगा, सेल्फ इस वजह से नहीं लूँगा क्योंकि बैटरी डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर जगह भी नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है पहाड़ों में दोस्तों, जगह बहुत कम होती है, धक्का मारने के लिए जगह नहीं होती है, तो घर ही में गाड़ी है। तो फिलहाल मैंने दोनों स्पार्किंग प्लग खोल दिए हैं, और तीसरा गियर मैंने बाइक में डाल लगा है। पिछला पहिया मैं घुमाऊंगा, जो यहाँ से ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो सारा निकल जाए, इस तरीके से मैं घुमाते रहूँगा इसको। इस तरीके से मैं घुमाते रहूँगा और ओवरफ्लो इसका निकल जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने जो पहिया घुमाया था, पहिया घुमाने के बाद पहिया बहुत टाइट घूम रहा था, तो अभी जो ओवरफ्लो निकालूंगा मैं इस तरीके से निकालूंगा इसका। गियर में मैंने बाइक डाल रखी है, और स्पार्किंग प्लग दोनों खुले हैं इसके। तो मैंने 2-3 राउंड लेने पड़ेंगे ऐसे। तो दोस्तों आपने देखा ओवरफ्लो मैंने इसका निकाल दिया है। अब क्या करना है, जो स्पार्किंग प्लग खोले हैं उसको मैं साफ़ करता हूं और फिट करता हूं, और फिर देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं। ओवरफ्लो मैं निकाल चुका हूं, जो स्पार्किंग प्लग इधर मैंने खोला था इधर मैंने फिट कर दिया है, और जो उधर का स्पार्किंग प्लग है वो आपको दिखाता हूँ। एक स्पार्किंग प्लग इधर होता है, क्योंकि मेन स्पार्किंग प्लग कभी भी अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है, और मेन स्पार्किंग प्लग इधर रहता है। और आपको कैसे पता लगाना है, जिधर गियर लीवर होता है, ठीक है, ये गियर लीवर है, तो आपको ये वाला स्पार्किंग प्लग सबसे पहले चेंज कर देना है, अगर ख़राब होता है तो फिलहाल साफ करके लगा देना है। तो काफ़ी ओवर हो चुकी थी, अब देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं होती है। तो तरीके मैंने आपको काफ़ी बताए थे कि जब ओवरफिल हो जाती है तो किस तरीके से निकालें,
तो पिछला पहिया घुमाया फर्स्ट नंबर में, फिर उसके बाद मैंने गियर डाला, फिर मैंने प्लग खुले थे, फिर मैंने धक्का मारा था, उस तरीके से मैंने सारा ओवरफ्लो इसका निकाल दिया है। और अभी मैं चाबी ऑन करता हूँ, तो बाइक की मैंने चाबी ऑन कर दी है, न्यूट्रल लाइट जलने लगी है, सारी लाइटें शो कर रही है। अभी मैं सेल्फ मारता हूँ, और अभी अभी हमने क्या करना है कि एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा लेना है इसमें। एक बार भैया पकड़ो फ़ोन, तो दोस्तों आपने देखा बाइक स्टार्ट हो चुकी है। और इसी तरीके से आप अपनी बाइक स्टार्ट करें, क्योंकि काफ़ी दिन खड़ी करोगे तो इसी तरीके से आप बाइक अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।